हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवशीष। सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा। वन मोर रिगार्डिंग नी रिप्लेसमेंट इज लाइक, ये जो सर्जरी है लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ को हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों का कहना है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद डेथ होने के चांसेस होते हैं। ये कम्प्लीटली गलत नोशन है। आई वुड सजेस्ट कि नी रिप्लेसमेंट वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी है, अगर हमने सेफ्टी प्रोफाइल नी सर्जरी से पहले ही ढूंढ के चेक किया है। ऐसे पेशेंट जो मेडिकली अनफिट है, ठीक है, उनकी नी रिप्लेसमेंट करना, मेडिकली अनफिट का मतलब है कि मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। इसका मतलब है जैसे कि हार्ट की, किडनी की, लिवर की, बहुत सारे इश्यूज उनको ऑलरेडी पहले से हैं जिनको हमने इवेल्युएट नहीं किया है। नी रिप्लेसमेंट इज ए इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरीज में हम जितने टेस्ट हो सकें नी रिप्लेसमेंट से पहले इवेल्युएट कर लें, उनको ट्रीट करें या उनको ऑप्टिमल लेवल पर ले लें, ठीक है। नी रिप्लेसमेंट के दो ही मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। नंबर वन इज इन्फेक्शन, जिसको रूल आउट करने में बॉडी के कहीं भी ऑर्गन में कहीं भी इन्फेक्शन है तो पहले ही हम उसे सर्च कर लें, एक दो हफ्ते नी रिप्लेसमेंट से पहले, ताकि पोस्ट सर्जरी हमें इन्फेक्शन फ्लेयर अप ना करें। ड्यूरिंग सर्जरीज भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंड पोस्ट सर्जरी भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि आपके सर्जन आपको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पैरों में क्लॉट बन जाना या क्लॉट का ट्रेवल करके लंग्स में पहुंच जाना, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। इनको रोकने के लिए हमारे कार्डियक एक्टिविटीज, हार्ट की टेस्ट, हमारे क्लॉटिंग प्रोफाइल, ये सब हम चेक करते हैं बिफोर सर्जरी। तो ये एक दो हफ्ते पहले चेक करने की ज़रूरत है, जिनमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं। किसी को अगर ये नहीं भी है तो प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत सारे लिए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग ब्लड थिनर्स सर्जरी के ड्यूरेशन में, सर्जरी के बाद यूज़ करते हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन, आजकल हम नी रिप्लेसमेंट के बाद सेम डे पे खड़ा करते हैं, क्यों? ताकि पेशेंट चलें। जितना बेड रिडन रहता है पेशेंट, उतना ही क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। वॉकिंग मस्ट हो जाती है नी रिप्लेसमेंट के बाद, इमिडिएटली आफ्टर द सर्जरी। एक मिथ आता है नी रिप्लेसमेंट में बहुत लंबा बेड रेस्ट की जरूरत है, सो ये कम्प्लीटली गलत है। नी रिप्लेसमेंट ऐसी सर्जरी है जिसमें कि सेम डे नी रिप्लेसमेंट के बाद इवनिंग से हम स्टैंडिंग स्टार्ट कराते हैं। वी लेट द पेशेंट वॉक विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर स्टैंड इमिडिएटली आफ्टर द सर्जरी। बेड रेस्ट तो मना करते हैं हम लोग, नहीं लेना है। हाँ, डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि हाँ, घूमने जाना, बाहर जाना, सारे काम करने में 15-20 दिन का टाइम लगेगा, बट बिफोर दैट एटलीस्ट मूवमेंट एक्टिविटीज बेड पे नहीं होने वाली है, ठीक है। सो नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है।